उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और तैयारी आज आपकी पूरी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। गगर में सागर का हमारा खात्मा होने वाला ही है। लगातार रेगुलर क्लासेस चली हैं आपकी और आपने बड़े मन से ली हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि पिछली बार जरूर फॉर्म बहुत ज़्यादा थे, इस बार 53 लाख, पिछली बार 71 लाख और वैकेंसीज भी बहुत कम थी। तो उसका कारण यह हो सकता है कि 71 लाख फॉर्म थे, बच्चा फॉर्म देख के पहले घबरा गया, वैकेंसीज बहुत कम है, लगभग 300 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। इस बार क्या है बच्चों, जो मैं फर्क देख रहा हूँ साफ साफ कि बच्चे को पता है कि इस बार, पिछली बार 300 में से एक का सिलेक्शन होना था, इस बार करीब 100 में से एक का सिलेक्शन होना है। तो इस बार जो बच्चा जुड़ा हुआ है फॉर्म जरूर कम भरे हैं, ये पता नहीं किस वजह से फॉर्म कम भरे गए हैं। ये भी एक अच्छी बात हो सकती है कि भाई वैकेंसीज फॉर्म जब क्लोजिंग डेट हो गई उसके बाद जो है वैकेंसीज बढ़ने की सूचना आई है, ये आपके लिए फायदे की ही बात है। बहुत सारे बच्चे इस बार, उसके लिए दुख है मुझे भी, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से ही वंचित रह गए क्योंकि एसएससी ने डेट बढ़ाई नहीं बिल्कुल भी और लास्ट में साइट उनकी चली भी नहीं थी। खैर जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, एग्जाम की डेट भी हो गई, क्लियर है सबको, सब तरह से आप क्लियर हैं। ये बहुत अच्छा साइन है कि आप इस बार भर्ती हो जाओगे इन सब चीजों को देखते हुए, ठीक है। लेकिन इस बार जो मेहनत का लेवल लग रहा है वो बच्चों की, वो काफी अच्छे लेवल की मेहनत लग रही है बच्चों। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। एसएससी निश्चित तौर पर पेपर पिछली बार से आसान बनाने वाली है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार कट ऑफ थोड़ी हाइक करेगी अगर आसान पेपर आया तो। लेकिन हाइक से आपको डरना नहीं है क्योंकि चीजें फिर आती हुई होंगी आपसे। एक बार बेटा ऐसा हुआ था दिल्ली पुलिस का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2014 के आसपास 3 बार वो पेपर कैंसिल हुआ था। हालांकि जिस ऑफलाइन में उस टाइम पे पढ़ाता था तो जिस भी बच्चे को आप पूछो 100 में से कोई 93 है, कोई 92, ऑफलाइन पेपर था, चेक करो सब कितने बैठ रहे थे, 93, 94।